आप सबका अपने YouTube चैनल में, मैं हूं दीपक आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मेल भी आई थी, मैसेज भी आए थे कि आप क्वालिटी कंट्रोल पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा आज की वीडियो क्वालिटी कंट्रोल पे बनाते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसमें मोस्टली करना क्या होता है, मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग के सेंस में बात करूंगा। तो मोस्टली जब यहाँ पे लोगों को जॉब करनी होती है प्रिंट पैकेजिंग प्रिंटिंग के फील्ड में, क्वालिटी कंट्रोल के सेक्शन में, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है लोगों को, जो भी चीज़ें आपकी डिजाइन जो भी बन के आती है, ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा कि जो बन के आया है, एक वो होता है जिससे आपने वो डिजाइन बनाई हुई है, तो आपको क्या करना होता है कि दोनों को मैच करना होता है कि जो पहले था जिसका रेफरेंस लेके आपने बनाया और जो आपका तैयार हुआ है, दोनों में कुछ अंतर तो नहीं है। एक एक चीज़ें आपको मैच करनी पड़ती है, चाहे वो टेक्स्ट मैटर हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हाफटोन हो, कोई पिक्चर हो, कोई भी ऑलमोस्ट जितनी भी डिजाइन में एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, बार कोड से लेके, लोगों से लेके, वेज लोगो, नॉन वेज लोगो, जो भी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है। ध्यान रहे कि आंखें इतनी तेज होनी चाहिए कोई भी चीज़ आपसे मिस ना होनी पाए, वरना पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप ही की रहती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या आपको करना पड़ता है। पहला नंबर तो आपको टेक्स्ट मैटर चेक करना पड़ता है, एक एक टेक्स्ट चेक करना पड़ता है, एक डॉट भी अगर मिस होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है, ठीक है। दो तरीके से आप चेक कर सकते हो, पहला ये कि जो आपको सैंपल मिलेगा जिससे ये डिजाइन बनी हुई है, ठीक है, जिससे कोई एक डिजाइन बनी हुई है, वो आप एक बार लेके रख लेते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड आप एक एक टेक्स्ट मिलाते हो, ठीक है, अच्छा ये कलर यहाँ पे है, ये कलर यहाँ पे है, ये कलर, ये टेक्स्ट यहाँ पे है, ये टेक्स्ट यहाँ पे, ये लोगो यहाँ पे है, ये लोगो यहाँ पे, इस तरीके से आप अगल बगल रख के दोनों देखते हो। ये हो गया बहुत ही पुराने टाइम से चला रहा है, ये ऑफलाइन मेथड चेक कर सकते हो या फिर बिना सॉफ्टवेयर के आप बोल सकते हो जिसमें कि आपको आपको मैच करना पड़ता है। सेकेंड मेथड क्या है कि अगर आप सॉफ्टवेयर से चेक कर रहे हो, मींस अब जैसे फोटोशॉप पे आप ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, अलग अलग कंपनी क्या होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन की रहती है इस पर्पज के लिए, ठीक है। नॉर्मल आप विंडोज पिक्चर मैनेजर से भी चेक कर सकते हो, कैसे, पहला तो आप जो आपका रेफरेंस है उसको स्कैन कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मैटर बन गया है, जो डिजाइन बन गई है, उसको भी पेस्ट करके, कार्डबोर्ड होता है उस पर पेस्ट करके वहां पे आप रख लो, ठीक है, मतलब उसको भी स्कैन कर लो और जो रेफरेंस आप डिजाइन थी उसको भी स्कैन कर लो, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो, ठीक है। इट मींस अगर आप विंडोज पिक्चर मैनेजर में कर रहे हो तो लेफ्ट राइट करके देख सकते हो, दो पिक्चर एक साथ खोल के बार 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 आप लेफ्ट राइट करोगे तो बार बार मतलब जो एरो की होती है उसको प्रेस करोगे तो एक बार आपको सोर्स वाली इमेज दिखाएगा, दूसरी बार जो है आपने जो उससे डिजाइन बनाया वो दिखाएगा। तो दोनों में आप एक चीज देखोगे, अगर मिसप्लेस नहीं हुआ कोई भी चीज, जहां पे है वहीं पे है, चाहे वो टेक्स्ट हो, लोगो हो, ठीक है, या कोई एलिमेंट हो, अगर वो अपनी जगह से मिस नहीं हुआ है, इट मींस हिला नहीं हुआ है या फिर कुछ गायब नहीं हुआ है, तो वो डिक्टो जाके एक दूसरे पे बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ों से मिस होगी, थोड़ा हिला हुआ दिखेगा, तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसमें क्या मिस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप फोटोशॉप वगैरह कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो या कोरल इलस्ट्रेटर, तो भी आप क्या कर सकते हो, दो लेयर आप बना लो, उसमें एक लेयर पे आप रख लो जो आपकी मेन डिजाइन है, दूसरी लेयर पे जो है जो आपका सोर्स इमेज था वो आप रख लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि बार बार वहां पे भी ऑन ऑफ करोगे, ये तब आप जान पाओगे जब आप कोरल या फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे काम किए रहोगे, तो ये चीजें आप देख पाओगे। अदरवाइज सबसे सीधा ऑप्शन तो यही है कि आप दोनों साइड बगल बगल रख लो और देखो कि हाँ किसमें क्या कमी है, अच्छा इसमें कोई चीज मिस हो रही है तो आप उसे इन्फॉर्म कर दो। क्वालिटी कंट्रोल की हम बात करते हैं, इसमें जॉब मिलती कैसी है, ठीक है। अगर आपने प्रिंटिंग या पैकेजिंग से डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप, बहुत सारी कंपनियां हैं प्रिंटिंग या पैकेजिंग की जहां पे आप इंटरव्यू दे सकते हो, रिज्यूम भेज सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वो लोग समय समय पे अपने डिपार्टमेंट की जॉब को निकालते रहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज रहती है वो बताते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप उनको ईमेल भेज सकते हो, उनके एचआर को कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो भी गूगल आप करोगे सीधे, बहुत सारी प्रिंटिंग की कंपनियां हैं जैसे पीपीएल हो गया, यूफ्लेक्स हो गया, और भी पतंजलि हो गई, ITC हो गई, बहुत सारी कंपनीज है वहां के, आप जैसे गूगल करोगे आपको एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पे आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है, अपने रिज्यूम को। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप उनसे बातचीत कर सकते हो, जो भी है कब उनका शेड्यूल है आप इंटरव्यू दे सकते हो। स्टार्टिंग की सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी सैलरी होती है ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 के बीच से स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो 20, 25, 30, 35, 50 जो भी होता है वो आपका बढ़ता जाता है जैसे ही आप काम करते जाते हो। और एक और चीज़ होती है, इसमें पेस्टिंग का भी काम करना पड़ता है। पेस्टिंग क्या होता है कि आपको अलग अलग जॉब के प्रूफ निकलते रहते हैं, प्रूफ वो किसी भी मेथड से हो सकते हैं, चाहे वो ऑफसेट का हो, ग्रेवियर का हो, फ्लेक्सो का हो, स्क्रीन का हो, वो सारे प्रूफ को क्या करना होता है कि आपको जैसे 2-3 स्टैंडर्ड बनाए पड़ते हैं, लाइट, मीडियम और डार्क, ठीक है, या लाइट, स्टैंडर्ड, डार्क, इस तरीके से 3 सेट आपको रखने लेने पड़ते हैं। फ्यूचर में कभी अगर उस तरीके की डिजाइन आती है तो आप जिससे कि उसका रेफरेंस लेके वो डिजाइन आप बना सको, ठीक है। इस तरीके से आपको पेस्टिंग भी करनी पड़ती है, पेस्टिंग मतलब वही बस सिंपल काट लो और उसको कार्डबोर्ड पर चिपका दो,
और इसके अलावा और क्या करना पड़ता है, कई बार क्या होता है कि आपको एंट्री वगैरह भी करनी पड़ती है, एंट्री मीन्स एक्सेल वगैरह पे आपको अपनी डेटा शीट भी बनानी पड़ती है। अगर आपको एक्सेल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ी बहुत अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपका अगर कंफर्टेबल महसूस करते हो तो भी आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप इंग्लिश में भी वहां पे कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि अपनी एक अलग आप पहचान वहां पे बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको वहां पे जॉब में एंट्री पाने में या बोल सकते हो कि एक इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ही आसान होता है, अगर आपको दो तीन चीजें आ रही होती हैं तो। जैसे क्या हो गया, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर आपको आता है, कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें बहुत बड़े मास्टर हो, लेकिन थोड़ा बहुत आता है तो आपको उसमें आसानी हो जाती है जॉब को पाने में। दूसरा क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है तो भी बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा क्या है कि अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है प्रिंटिंग और पैकेजिंग की तो भी आपकी एंट्री आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप क्वालिटी कंट्रोल में इसकी जॉब नहीं पा सकते हो, पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, और क्या चीजें बच रही है, जैसे मैं बात करूं तो आपकी आंखें बहुत ही तेज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब लापरवाही भरा काम कोई नहीं होता, इसमें बहुत ही केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी आंखें बड़ी तेज होनी चाहिए, गलतियों पे आपकी सीधे निगाह जानी चाहिए, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कलर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ऑलमोस्ट फॉन्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, लोगो बैनर वगैरह जो भी ना डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल, वो अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए और आसान है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर सारे रूल्स और रेगुलेशन पता है इसके बारे में तो भी वहां पे आप गलतियों पे सीधे आपकी नजर चली जाएगी, अदरवाइज तो आप एक बार सैंपल देखोगे जो रेफरेंस आपकी डिजाइन है और उसके बाद से आप देखोगे जो आपका बना है उसमें कुछ है या नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है अगर आपके पास सैंपल नहीं है लेकिन आपको पता है डिजाइन का प्रिंसिपल क्या होता है तो भी आप एक बार में गलती पकड़ सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्या चीजें देखनी होती है, यही चार पांच चीजें देखनी होती है, प्रिंटिंग जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, फोटो सेल्स देखने होते हैं, वेज लोगो नॉन वेज लोगो जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जो कुछ भी फोटो वगैरह लगे हैं वो गायब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरा टेक्स्ट मैटर जो भी है वो, मतलब यही सारी चीजें हैं, कोई भी चीज अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए और कुछ भी चीजें जो आपकी मेन डिजाइन में है वो वहां से गायब नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें काफी कुछ जानने और समझने को मिली होगी। अगर कुछ भी ना समझ आया हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो ये शॉर्ट में वीडियो था, बहुत ही कम समय में, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।